हिमाचल प्रदेश में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज गया है। वीरवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार पंचायतों में 217 पदों के लिए मतदान 10 अगस्त को होगा। ये वोटिंग प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए होगी। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही इन इलाकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद जिन विकास खंडों में BDC का चुनाव होना है, उन विकास खंडों में और जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी तरह झाकड़ी जिला परिषद क्षेत्र में भी आचार संहिता लागू कर दी गई है। बता दें कि जिला परिषद झाकड़ी वार्ड का बड़ा चुनाव तय है, क्योंकि यहां से पूर्व जिप सदस्य ने शिमला में आत्महत्या की थी। इसके अलावा 6 पद पंचायत समिति सदस्य, 14 प्रधान पद, 17 उप प्रधान तथा 169 पंचायत वार्ड के खाली चल रहे हैं। इनके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव करवा रहा है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 25, 26 और 27 जुलाई को नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इनकी जांच पड़ताल 28 जुलाई को संबंधित रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह 10 बजे के बाद करेंगे। इच्छुक प्रत्याशी 30 जुलाई दोपहर बाद 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इस दिन चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। वहीं 10 अगस्त को मतदान 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी और इसी दिन परिणाम घोषित भी किए जाएंगे, जबकि BDC और जिला परिषद की मतगणना 12 अगस्त ब्लॉक मुख्यालय पर सुबह 9 बजे की जाएगी।